नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और आपने देखना शुरू कर दिया है बिंदास भोजपुरिया। भोजपुरी सिनेमा का नंबर वन प्लेटफॉर्म, आप सबका अपना चहेता चैनल बिंदास भोजपुरिया। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है दोस्तों, खास इसलिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर कई बड़े खुलासे हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को क्लिक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं एक अहम मुद्दे की। दोस्तों, आप सबको आकांक्षा दुबे याद होंगी ही, ठीक एक साल पहले आकांक्षा दुबे ने बनारस में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। बनारस के सारनाथ के एक होटल में वो मृत अवस्था में पाई गई थी। जी हाँ, 26 मार्च 2023 की सुबह 10:30 बजे जब दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकाला गया तो आकांक्षा दुबे होटल सौमेंद्र के 105 नंबर कमरे में मृत पाई गई। माना गया कि आकांक्षा दुबे ने फांसी के फंदे को चूमकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद इंक्वायरीज का एक लंबा दौर शुरू हुआ और इस मामले में मशहूर गायक समर सिंह और उनके मुंहबोले भाई संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब एक साल के भीतर समर सिंह जमानत पर बेल पर बाहर आ चुके हैं सलाखों के पीछे से। वहीं दूसरी तरफ उनके मुंहबोले भाई संजय सिंह भी अब कानून के शिकंजे में तो है लेकिन जेल की सलाखों के बाहर है। सवाल ये उठता है कि उस होटल का क्या हुआ? होटल सौमेंद्र, सारनाथ का वो होटल जहां पर आकांक्षा दुबे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, वहां पिछले एक साल में हालात कितने बदले? तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस बात का खुलासा करने वाला हूँ कि वहां किस तरह के हालात है। दोस्तों, पिछले दिनों काजल राघवानी के एक शूट के सिलसिले में मैं बनारस के सारनाथ गया था और मेरा होटल लुम्बिनी, जो होटल है सारनाथ में मेरा, जहां पर हम और कई कलाकार रुके हुए थे, वहां पर वहीं से करीब था सौमेंद्र, और मैं सौमेंद्र होटल गया। होटल सौमेंद्र जाने के बाद मैंने वहां के स्टाफ से बात करने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि पिछले एक साल में आपके होटल में क्या कुछ बदला, क्या आकांक्षा दुबे के साथ जो हादसा हुआ था उससे होटल मैनेजमेंट और होटल के बाकी लोग उभर पाए हैं? तो उन्होंने कैमरे पर मुझसे कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कैमरे पर कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर से हो सकता है कि इस बातचीत के बाद, इस वीडियो के बाद या इस इंटरव्यू के बाद उनके लिए तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी हों। होटल के स्टाफ ने मुझे बताया कि इस होटल में कुल मिलाकर 21 कमरे हैं। 3 मंजिला इमारत होटल सौमेंद्र में अक्सर फिल्मी दुनिया के लोगों की चहलकदमी होती रहती थी। इस हादसे के पहले भी कई भोजपुरी सितारे इस होटल में रह चुके हैं। फिल्मी दुनिया के लोगों का ये चहेता होटल हुआ करता था, लेकिन 26 मार्च 2023 से पहले की ये बात है। उसके बाद हालात होटल सौमेंद्र में बदल चुके हैं। होटल सौमेंद्र में क्या कुछ बदला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कमरा नंबर 105 जहां पर आकांक्षा दुबे मृत पाई गई थी, उस कमरे में कोई गेस्ट तब से आता है या नहीं आता है, इस बात की जानकारी भी होटल स्टाफ ने मुझे दी। होटल के स्टाफ ने मुझे बाकायदा रजिस्टर में दिखाया कि 105 नंबर कमरा शुरू के कुछ महीने लोग उसमें आने से घबराते थे, उसे अवॉइड करते थे, क्योंकि YouTube पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर यह खबर पूरी तरह से वायरल हुई कि आकांक्षा दुबे ने इसी होटल में अपनी जान दे दी है। लेकिन कुछ ही महीने के भीतर उस 105 नंबर कमरे में गेस्ट आने लगे और मेहमानों से एक बार फिर से होटल गुलजार हो गया। शुरू के एक दो महीनों को छोड़कर होटल के बिजनेस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा है। होटल स्टाफ ने यह भी बताया मुझे कि अब इस कमरे में, इस वक्त जब मैं उनसे बात कर रहा था, तब भी 105 नंबर कमरे में
कोई गेस्ट पिछले 6-7 दिनों से रुका हुआ था। चूंकि जो ये इलाका है सारनाथ का, ये ना सिर्फ हिंदू बल्कि बौद्ध धर्म के लिए भी एक पवित्र स्थल है, क्योंकि वहां पर स्तूप है और वहां से कई विदेशी मेहमान भी आते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि फिल्मी दुनिया के लोग भी किस तरह से इस होटल के प्रति देखते हैं। तो होटल स्टाफ ने मुझे बताया कि 26 मार्च 2023 के बाद, नोट कोट कीजिएगा, 26 मार्च 2023 के बाद कोई भी फिल्म की बुकिंग इस होटल में नहीं हुई और ना ही किसी फिल्मी स्टार ने यहां पर स्टे किया। शायद अब फिल्मी दुनिया के लोग आसपास के होटलों में स्टे करते हैं, लेकिन होटल स्टाफ ने ये उम्मीद जरूर जताई कि फिल्मी दुनिया के लोग एक बार फिर से पहले की तरह ही उनके होटल में आएंगे। कुछ नामचीन सितारों का स्टाफ ने मुझे नाम भी लिया जिनसे लगातार उनकी बातचीत है और कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग इसी होटल में रहते हुए पूरी की गई है। हालांकि इस होटल को फिल्मी दुनिया ने क्यों छोड़ा है, इसके पीछे की कई वजहें स्टाफ ने मुझे बताई। उन लोगों ने यह कहा कि आकांक्षा दुबे वाला हादसा तो सिर्फ एक फैक्टर है, कई और फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस होटल में फिल्मी दुनिया के ना आने का आने पर एक तरह से पाबंदी सी लगा दी है। कई लोग कहते हैं कि होटल कुछ महंगा है, कई लोग कहते हैं कि उन्हें कमीशन फिल्मी दुनिया के लोगों को देना होता है, प्रोडक्शन वालों को देना होता है, जो कि अब वो नहीं दे रहे हैं। इस वजह से भी फिल्मी दुनिया के लोग इस होटल में फिलहाल नहीं आ रहे हैं। ज्यादा कुछ सौमेंद्र होटल में बदला तो मुझे दिखाई नहीं दिया। वैसे आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।